ट्रस्ट मी, वंस इन अ लाइफ यू शुड एक्सपीरियंस दिस। और भाई साहब, लैंडस्लाइड, रास्ते खराब हैं यहाँ के भी, डेंजरस हैं। ये देखो रास्ता, मतलब पूरा सांप की तरह ऐसे जू 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 जिगजैग था। और मतलब मज़ा तो आया था नो डाउट, बट रिस्की भी है बिकॉज आप देख सकते हो टर्न्स कैसे कैसे हैं। देखो डर लग रहा है कि मेरा कैमरा ना गिर जाए, बट लेट मी ट्राई। बहुत डीप है भाई, बहुत ज़्यादा डीप है। सो गाइस, यहाँ पे हिस्ट्री बताई हुई है की मोनेस्ट्री की, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़नी है। आते टाइम मैं भी पढ़ूंगा बिकॉज अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो एक बार विजिट करके आता हूँ। सो दिस इज़ हाउ किब्बर विलेज लुक्स लाइक। आज तक सिर्फ वीडियोज में देखा था, फोटोज में देखा था, बट टुडे आई एम विटनेसिंग दिस इन फ्रंट ऑफ माई आईज। सो भाई एक्साइटमेंट तो है। हाँ करो कसम से, क्या हाल है भाइयों के, इसे के जरूर मैं तो चल रहा हूँ प्रोटीन वेल। आवाज़ लग रही है चेंज, वो अभी जस्ट अभी उठा हूँ, और उठते ही मैंने कैमरा उठा लिया, ना ब्रश करा है ना मुँह धोया। आई जस्ट होप थोड़ा सा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे अब, बिकॉज बिल्कुल उठते हैं हम तो कैसी शक्ल होती है हमारी, ऐसी होती है। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा, दिस इज़ आर डे 3 एंड लेट मी शो यू समथिंग मतलब सरप्राइज होने वाले हो तुम लोग। बात रही गाइस नींद की, तो मतलब इतनी बार नींद खुली है ना मेरी बीच में, मतलब आई डोंट नो क्यों, अभी भी हल्की हल्की सिर दर्द है, नाक मेरा बंद है, जुकाम है मेरे को हल्का हल्का। मे भी हो सकता है कि हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से मतलब ऑक्सीजन लेवल कम होते हैं यहाँ पे, तो ऐसा। बट भाई बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। तो आज के हमारे कुछ प्लान्स हैं, वो करते हैं एग्जीक्यूट। आपको भी घुमाएंगे, खुद भी घूमेंगे, रील्स बनाएंगे इंस्टाग्राम वाली। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, मज़ा आने वाला तुमको। सो गाइस लेट मी शो यू नाउ, जस्ट हैव अ लुक। Like, जहाँ पे हमारा स्टे है वहाँ पे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। और अभी मतलब उठा हूँ जस्ट मैं, तो मतलब आई कांट फेस सन, मेरी आंखें बंद हो जा रही हैं, बट आई जस्ट होप कैमरा कैप्चर कर रहा है मतलब माउंटेन्स को। इंटरेस्ट में इतना ज़्यादा सुंदर व्यू है ना, इट्स अमेजिंग गाइस, इट्स अमेजिंग। सो गाइस सबसे पहले वैसे मैं उठा था, मेरे को देख के सबको शर्म आ जाती, सभी उठ जाते जल्दी, उठना होता नहीं है ऐसे, बोलते 10 बजे उठेंगे, बट आप देख सकते हो हमारे शुभम भाई उठ गए। और हमको ना तब नहीं पता लग रहा था, बट अभी हमको हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है। मेरे को रात को भी थोड़ा सा मतलब सर भारी हुआ, मैं सो गया, उसके बाद लाइक अभी भी। व्हाट अबाउट जुकाम? जुकाम तो मेरे को नहीं है, तेरे को? मेरे को डस्ट एलर्जी है गाइस, और जिस यहाँ पे मतलब हम रह रहे हैं वहाँ पे थोड़ी सी मे बी डस्ट है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि मेरे को मतलब स्नीजिंग और नाक वगैरह चल पड़ा है। यहाँ पे मतलब बारिश नहीं होती है ना, तो उसके कारण यहाँ पे डस्ट ही डस्ट होता है। ये पूरे डस्ट वाले पहाड़ है, देख सकते हो। बाकी अब तुम ये देखो, डेडिकेशन देखो, आंखें नहीं खुल रही है, ना इनकी खुल रही ना मेरी खुल रही है, स्टिल हम ब्लॉग करें किसके लिए, तुम्हारे लिए। तो सब्सक्राइब कर दो भाई का चैनल भी और मेरा चैनल भी। यूजुअली गाइस मैं चाय पीता नहीं हूँ, बट यहाँ पे मतलब मेरे को जुकाम हो गया, तो मेरे को चाय पीनी पड़ रही है। यहाँ हमारे मनकोड़िया भाई चाय पी रहे हैं, भाई कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। गर्म लग रही है? नहीं भाई, ठंड बहुत है, बहुत मजा आ रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम है, तो सांस की बहुत दिक्कत हो रही है हम तीनों को। सो गाइस चाय पीते हैं और फिर जुकाम को दूर करते हैं। जस्ट होप मेरा जुकाम चला जाए भाई से, बिकॉज मेरा नाक बंद हो गया, तुमको आवाज से पता लग रहा होगा। ब्रश नहीं किया वैसे, मैं आपको बता देता हूँ, ब्रश किसी ने नहीं किया और चाय पहले लग पड़े पीने। आपने लिख लिया है, हमारे पास है ब्रश। सो गाइस जल्दी करते 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 11:42 हो गए हैं, सो मे भी 12 बजे तक निकलेंगे। एंड यू कैन हैव अ लुक कि जहाँ पे हमारी अकोमोडेशन है वहाँ से कितना प्यारा व्यू आ रहा है। इस साइड भी पहाड़ है, इस साइड भी पहाड़ है, और ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर है, ज़्यादा ही क्लोज है एज़ कम्पेयर टू दिस। और तुम यहाँ का आसमान देखोगे ना गाइस, मतलब आसमान देख के मतलब फ़ैन हो जाओगे। सो राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स किया मोनेस्ट्री, थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट करने के लिए बाइक को लगाया, बिकॉज यहाँ पे बाइक भी जवाब दे जा रही है।
थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल कम है, सो एज सच मेरे को कोई ब्रीथिंग इशू आ नहीं रहा है, बट कल वाटर क्रॉसिंग करते करते मेरे को ज़ुकाम हो गया, सो अभी मेरा नाक चल रहा है, बिकॉज़ आई जस्ट होप मैंने मेड्स तो ले लिया, ठीक हो जाए तो बढ़िया बात है। हम बिल्कुल रेडी थे, कौशल भाई ने हमको लेट करवाया हुआ है, भाई जल्दी कर लो यार, तीन चार जगह घूमनी है आज। आई डोंट नो वाई बट मेरे को इतना ज़्यादा पावर ड्रॉप फील हो रहा है ना अपनी बाइक पे, मतलब एक्सेलरेशन ही जीरो है, ये मे बी इंजन ऑयल की वजह से है या फिर कुछ और रीज़न है मेरे को नहीं पता, बट जो भी है भाई मेरे को डर लग रहा है, आई डोंट नो वाई, बस हो ना कुछ मेजर इशू ना हो। ये ऑफ रोड हमको इस रास्ते पे भी मिल रहा है, बट दिस ऑफ रोड इज़ टॉलरेबल, इतना बुरा नहीं है जितना कल वाला था। नहीं भाई नहीं, बहुत अंडर परफॉर्म कर रही है बाइक, बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। वेलकम टू की मोनेस्ट्री, सो पहुंच चुके हैं हम की मोनेस्ट्री, भाई इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है ना, ट्रस्ट मी वंस इन अ लाइफ यू शुड एक्सपीरियंस दिस, और भाई साहब लैंडस्लाइड, रास्ते ख़राब हैं यहाँ के भी, डेंजरस हैं, यू हैव टू बी मोर केयरफुल, अपनी सेफ्टी अपने खुद के हाथों में होती है, एंड लुक एट दिस रोड यार, लाइक सांप की तरह ऐसे जू 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 करता है क्रॉल करते हुए, जो सांप नहीं क्रॉल करते ऐसे ऐसे ऐसे, सेम वैसा रास्ता था, मतलब जब कर रहे थे हम तब पता तो नहीं लगा था, बट अभी इतना हाइट से जब देख रहे थे पता लग रहा कि रास्ता कुछ ऐसा था। सो गाइस वी हैव जस्ट रीच की मोनेस्ट्री, और यहाँ से रास्ता है उसका, गोप्रो को मैंने माउंट में लगा लिया है, कैमरा क्रेडिट्स अगेन शुभम कौशल भाई के हैं, बट आई जस्ट होप बढ़िया क्वालिटी आ रही होगी, ऐसा कुछ रास्ता है ऐसा कुछ व्यू है, जस्ट होप आपको मज़ा आ रहा होगा देखने में, बाकी मेरा भी पहले एक्सपीरियंस है ऊपर की मोनेस्ट्री जाने का, तो देखते हैं भाई कैसी है की मोनेस्ट्री। बाकी अभी मैंने पूछा था तो वीडियोग्राफी बाहर बाहर से तो अलाउड है बट अंदर अलाउड नहीं है, तो बाहर से जितना मेरे से मतलब हो पाएगा उतना मैं रिकॉर्ड करूँगा, बाकी देखते क्या बनता है। सो गाइज यहाँ पे हिस्ट्री बताई हुई है की मोनेस्ट्री की, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़नी है, आते टाइम मैं भी पढ़ूंगा बिकॉज अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो एक बार विजिट करके आता हूँ उसके बाद पढ़ते हैं। जस्ट चेक आउट दिस सीन गाइज, दिस इज सीरियसली अमेजिंग, आई जस्ट होप जो मैं आंखों से देख रहा हूँ ना वो कैमरा जस्टिफाई कर दे, बिकॉज बहुत सही है भाई, बहुत ज़्यादा सही है। राइट नाउ वी आर एट की मोनेस्ट्री, अब भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा मेरी वॉइस से, बिकॉज मेरे को धीरे बोलना पड़ेगा बिकॉज हम मोनेस्ट्री के अंदर हैं, वैसे तो फोटोग्राफी अलाउड यहाँ पे है नहीं, बट कोई देखने वाला नहीं है, मैं कर सकता था फोटोग्राफी बट किसी रिलीजन को हर्ट नहीं करना है, सो हम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वगैरह नहीं करेंगे, यहाँ तक अलाउड था तो यहाँ पे मैं वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। सो ऐसी कुछ मोनेस्ट्री है यहाँ पे हम अभी हैं, तो यहाँ से चलते हैं, और आई जस्ट होप गाइस कि आपको मतलब ऑडियो आ रहा होगा, एंड ट्रस्ट मी गाइस मतलब जितना पीस है ना इस मोनेस्ट्री में कहीं नहीं है भाई, हमने यहाँ पे मेडिटेशन रूम देखा, पूरी मोनेस्ट्री देखी, इट्स ऑसम यार, मतलब तुम अगर स्पीति आते हो काजा आते हो ना तो इस मोनेस्ट्री में ज़रूर आना ज़रूर। सो गाइज राइट नाउ वी आर इन द किचन एंड वी हैव बीन ऑफर्ड अ टी, और बोला जाता है कि इस टी से जो आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है वो मेंटेन रहता है, सिर दर्द हट जाता है, और जैसे मेरे को कोल्ड था सुबह तो वो भी हट जाएगा। सो टेस्ट करते हैं इसको और आपको मैं इसका टेस्ट रिव्यू बताता हूँ, वैसे तो रिव्यू देना नहीं चाहिए बिकॉज मोनेस्ट्री में अभी, बट टेस्ट सही में झूठ नहीं बोलूँगा सच्ची बोलूँगा, टेस्टी है, मीठा मीठा है।
सो गाइस आफ्टर हैविंग दैट टी हम वापस से अपनी बाइक्स तक जा रहे हैं. एंड ट्रस्ट मी गाइस, तुमको मैंने सुबह बताया था ना मेरी हालत ख़राब थी. आफ्टर हैविंग दैट टी मैं सच्ची बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, मतलब मेरे को इतना बढ़िया फील हो रहा है, इतना मतलब रिलैक्स फील हो रहा है. मेरा नाक भी बंद हो गया, नाक चला हुआ था पहले. और इंग्रेडिएंट्स अगर आपको बताऊं तो वैसे उन्होंने बताया ना, बिकॉज सीक्रेट होता ही है, बट मिक्सचर था ग्रीन टी का और भी हर्ब्स थे, मेरे को पता नहीं लगा था, बट ग्रीन टी तो थी. तो बाइक पे चलता हूँ, सीधा आपको उधर ही मिलता हूँ. बाकी पीस थी भाई, मज़ा आया. सो गाइस मैं आपको रास्ते का बता रहा था ना, आई जस्ट होप गोप्रो मेरी ऑडियो ना बढ़िया से कैप्चर कर रहा हो. ये देखो रास्ता, मतलब पूरा सांप की तरह ऐसे जूं 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 ज़िगज़ैग था. और मतलब मज़ा तो आया था नो डाउट, बट रिस्की भी है बिकॉज आप देख सकते हो टर्न्स कैसे कैसे हैं. तो अभी हम वापस से घर को जाएंगे, घर को नहीं जाएंगे सर, कहाँ पे जाएंगे? चीचम ब्रिज जाएंगे. और फिर उसके बाद कुछ खाएंगे बिकॉज हमने ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं करा है. दोपहर का 1:30 हो गया, तो देखते हैं आगे का क्या प्लान बनता है, बिकॉज हमारे पल पल प्लान्स चेंज हो रहे हैं. गाइस एज आई सेड अर्लियर वी आर हैविंग चेंजेस इन आवर प्लान. तो अभी हमारा फिर से प्लान चेंज हो गया. पहले हमने सोचा था कि हम निकल जाएंगे बट लंच बाद में करेंगे, बट अभी हम लंच पहले करेंगे, निकलेंगे बाद में. सो ऑल थैंक्स टू हमारे शुभम भाई जो बोलते हैं कि भाई खाना खाना है पहले. तो क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं कुछ. अब पहले हमने स्पेशल थाली ऑर्डर करी थी यहाँ पे स्पीति वाली, बट ये बोलते कि वो अवेलेबल ही नहीं है. तो अभी हमको फिर नॉर्मल खाना मंगवाना पड़ेगा. मैंने सोचा था कि जो लोकल क्यूजीन होती है वो ट्राई करेंगे, ढूंढेंगे काजा में तो मिल ही जाएगी. हाँ काजा में मिलेगी, काजा में मिलेगी, उधर ट्राई करेंगे. ऐसा नहीं कि मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ. तो पहले लंच करते हैं, उसके बाद मतलब निकलते हैं. कहाँ पे निकलना हमने? चीचम और दो तीन जगह और हैं, तो घुमाता हूँ भाई आपको. सो गाइस वी आर डन विद आवर लंच. और मतलब 1 बजे लंच करने बैठे थे एंड राइट नाउ इट्स 3. तो मतलब 2 घंटे लगा दिए, मतलब ज़्यादा टाइम कुछ यूटिलाइज कर दिया. तो आई डोंट नो मतलब कहाँ तक हमारी जो जर्नी है वो होगी, अब कौन कौन सी लोकेशंस कवर होंगी. आपको कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता मैं कि कहाँ कहाँ पे अभी मैं जाऊँगा, बिकॉज़ इवन आई हैव टू फिगर आउट कि कहाँ कहाँ पे मतलब हमारी अभी जो जर्नी है वो होगी. खाना बढ़िया बट थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, बट चलो कोई इशू नहीं है, पेट भर के खाली है, गले तक फुल हूँ मैं. एंड अभी आप सोच रहे हो कि इतना केयरफुली क्यों चला रहा है, सांस फूल गई भाई कॉन्टीन्यूसली बोलते बोलते. तो ये साहिल का कैमरा है मेरे पास ज़रा, तो इसको मैंने गले में डाला हुआ है, तो मेरे को थोड़ा सा आराम से चलना पड़ेगा. Why are you looking at me like this? प्यार करते हो मेरे से आप? तो क्यों ऐसे देख रहे हो प्यार भरी नज़रों से? आ जाओ आ जाओ. सो लास्ट गुड बाय टू की मोनेस्ट्री. सही में बहुत ज़्यादा सही लोकेशन थी. और थोड़ी देर हम यहाँ पे रुके थे बिकॉज थोड़ा सा मतलब फोटोशूट वगैरह करा है. अगर आपको फोटोज़ देखनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, स्क्रीन के ऊपर मेरा नेम पॉपअप हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो करो यार फॉलो. वहाँ पे भी मैं मतलब कॉन्टेंट डालता रहता हूँ. सो गाइस हल्का हल्का सा ऑफ रोड है बट इट इज़ टॉलरेबल. एंड राइट नाउ वी आर हेडिंग टू इज चीचम ब्रिज. 2 किलोमीटर दूर है सिर्फ यहाँ से की मोनेस्ट्री से. सो वी जस्ट थॉट कि अगर यहाँ तक जा रहे हैं तो ब्रिज भी मतलब कवर कर ही लेना चाहिए. एंड राइट नाउ इट सीम्स लाइक कि मेरा जो एयर फिल्टर है वो चोक हो गया भाई डस्ट से, बिकॉज बहुत ज़्यादा मतलब बाइक का अंडर परफॉर्मेंस मेरे को फेस करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा. लुक एट दीज रोड्स गाइज, आई मीन बहुत ज़्यादा केयरफुली चलाना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज कोई मतलब सेफ्टी नहीं है हमारे जो लेफ्ट साइड खाई है उससे. एंड खाई भी ऐसी वैसी नहीं है, लाइक अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है तो भाई साहब फिर मैं बोलना नहीं चाहता वो, बट इट इज़ डेंजरस. भाई बहुत ज़्यादा डीप खाई है, बहुत ज़्यादा डीप है. मेरे को अपना जो ध्यान है अपनी आँखें वो रोड पे रखनी चाहिए, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको दिख जाएगी कितनी डीप खाई है. सो गाइस ये मे बी चीचम ब्रिज, मे बी इसीलिए बिकॉज हम गलत भी हो सकते हैं,
तो एक समय में एक ही वाहन पार करे, पुल के ऊपर गाड़ी खड़ी ना करें। ओके ओके ओके, यस वी वर राइट, यही है चीचम ब्रिज। यहाँ पे लिखा था गाड़ी पार्क नहीं करनी, ये कैसे पार्कड है यहाँ पे? फक गाइस, सही में बहुत ज़्यादा डीप है भाई, बहुत ही ज़्यादा डीप है। I just hope GoPro is capturing this. वैसे तो व्हीकल्स खड़े करना मना था यहाँ पे, बट हमने कर लिया बिकॉज थार वाले भी खड़े थे। सो इस साइड से कुछ ऐसा था ब्रिज, और इस साइड से ऐसी कुछ व्यू है। मेरे को डर लग रहा है कि मेरा कैमरा ना गिर जाए, बट लेट मी ट्राई। बहुत डीप है भाई, बहुत ज़्यादा डीप है। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग, मेरे को हाइट फोबिया भी है, बट स्टिल मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ क्योंकि तुमको दिख जाएगी कितना ज़्यादा डीप है। कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा कि कितना डीप है, बट ट्रस्ट मी गाइस, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत डीप है, बहुत ही ज़्यादा डीप है। आई हैव टू बी मोर केयरफुल, थोड़ा सा पकड़ पकड़ के ही खड़े होंगे। सो दिस इज चीचम ब्रिज। तो ब्रिज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। आई जस्ट होप कि क्लियरली दिख रही होगी। चलो चलो, सो नाउ वी हैव टू लीव दिस प्लेस ऑल्सो। सही में गाइस, बहुत ऊंचा ब्रिज था और इतना हाइट पे था ना, मतलब इतनी लंबी, सॉरी नॉट लंबी, इतनी गहरी खाई थी। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत डेंजरस था, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। और नीचे एक ट्रक गिरा था, मैंने देखा था। सो बहुत ऊंचा है भाई, बहुत ऊंचा है। एंड मैंने कहीं पे सुना, लाइक लोकल्स ही बोल रहे थे, लाइक एशिया का ना सबसे हाईएस्ट ब्रिज है। नाउ आई एम नॉट दैट श्योर कि क्या, बिकॉज मैं गूगल कर नहीं पाऊँगा, बट बढ़िया था जो भी था। सो गाइज, राइट नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स किब्बर विलेज। मेरे को नहीं पता कैसी लोकेशन है, क्या है वहाँ पे, बट लोकल से हमने पूछा, सो दे सेड कि घूमना चाहिए आपको, जाना चाहिए, बिकॉज सुंदर जगह है। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट लोकेशन। आई जस्ट होप मज़ा आया, बिकॉज वैसे मज़ा तो आएगा ही यार, बिकॉज जहाँ जहाँ पे हम जा रहे हैं, जो जो रिकमेंडेशन है, वो सारी प्लेसेस मतलब इतनी सुंदर निकल रही है ना, ट्रस्ट में मज़ा आ रहा है। सो आई जस्ट होप कि किब्बर विलेज भी सुंदर हो। बाकी राइट नाउ इट्स 4:30, सो गाइस वैसे तो हम निकल रहे थे यहाँ पे किब्बर वाले विलेज को, बट पता नहीं क्यों मन करा हमारा कि यहाँ पे बैठते हैं, और बैठते 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 मे भी आधे घंटे से तो ऊपर हो गया था, और ये वाला हम व्यू एंजॉय कर रहे थे। लाइक सही में यार, बहुत ज़्यादा व्यू, मतलब सुंदर है ये। मेरा तो अभी और मन कर रहा था, बट ये बोलते चल पड़ो यहाँ से, तो अभी किब्बर विलेज जाएंगे, सिर्फ 3 किलोमीटर यहाँ से। एंड यहाँ के कुछ वाइल्ड एनिमल्स, सो लेट्स गो टू किब्बर विलेज। वेट करो मेरा ब्रोस। लेट मी टेल यू गाइस दैट यहाँ पे मतलब आपको अगर कोई सी भी डेस्टिनेशन जाना है, 4-5 डेस्टिनेशन है, कोई सी में भी जाना है, तो आपको ऑफ रोड करना ही पड़ेगा, बिकॉज रोड्स की हालत बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी है। आई डोंट नो कब तक बनेंगे, बट ट्रस्ट में मतलब कोई सी भी अगर आपको लोकेशन जाना है तो ऑफ रोड मिलेगा ही मिलेगा। सो गाइस यू कैन हैव अ लुक दैट, मौसम तो बढ़िया है, स्काई है वो भी बढ़िया दिख रहा है, बट ये जो ब्लैक ब्लैक क्लाउड्स है ये स्केरी हैं।
एंड आई जस्ट होप कि बारिश ना आए यार. हमारे वाले साइड तो बढ़िया क्लाउड्स है, वाइट वाले क्लाउड्स है, बट इस वाले साइड ब्लैक क्लाउड्स हैं. भाई इतनी ज़्यादा मिट्टी है ना इस रोड पे, बहुत ज़्यादा मिट्टी है भाई, बहुत. एयर फिल्टर का मतलब बहुत बुरी तरह चौक हुआ होगा, मेरे को साफ़ करवाना पड़ेगा. आई डोंट नो यहाँ पे मैकेनिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिससे मतलब मेरा टैंक खुलेगा कि नहीं खुलेगा, बिकॉज R15 का जो टैंक खोलना है वो थोड़ा सा मुश्किल है, टैंक के नीचे एयर फिल्टर जो है. सो भाई प्रॉब्लम्स मेरे लिए आने वाली हैं, बिकॉज सफ़र लंबा है अभी. सो दिस इज़ हाउ किब्बर विलेज लुक्स लाइक. आज तक सिर्फ वीडियोज में देखा था, फोटोज में देखा था, बट टुडे आई एम विटनेसिंग दिस इन फ्रंट ऑफ माई आइज. सो भाई एक्साइटमेंट तो है, बिकॉज आप देख सकते हो कि ऐसी सी आपने फोटोज देखी होंगी, सबने देखी होंगी, स्नोफॉल हुआ होता है और वाइट वाइट सा सब कुछ होता है, मतलब पूरे ट्रेडिशनल तरीके से एक ही एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर घर, जैसे इजिप्शियन में नहीं होता, इजिप्ट में होता है जैसे, सेम वैसा. मतलब यहाँ पे इजिप्ट वाला फील आ रहा है. सो राइट नाउ वी आर एट किब्बर विलेज और आप देख सकते हो लाइक सुंदर है यार, काफ़ी सुंदर है, पूरा ट्रेडिशनल टाइप का है. मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे हुई ही नहीं है, मतलब पुराने टाइप के ये यहाँ पे घर जितने भी हैं. फिर यहाँ के लोकल्स ने हमको इन्फॉर्म करे दैट अगर आपको घूमना है तो यहाँ पे एक मंदिर है, उधर जा सकते हो आप. तो बस वही वाली तैयारी है कि मंदिर विज़िट करते हैं, की मोनेस्ट्री की तरह होगा मे बी. यार जानी तो चाहिए बाइक, इतना तो रास्ता है, बाकी नहीं जाएगी तो ले जाएंगे, कोई इशू नहीं है. बाइक खतरनाक ऑफ रोड, ये कल वाले ऑफ रोड की मेरे को याद दिला रहा है और मेरे को उसको याद नहीं करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है. धाम मिल रही, धाम आशीर्वाद ले लीजिए, धाम मिल रही है. अरे नहीं, बहुत अच्छा प्यारा सा लग रहा है. क्या बोलते, कहाँ पे मंदिर, ये मंदिर कट गया कट गया कट गया पर कटा तो सही ना हमारा, मनकोट ये व्यू देख, ये तो वो दूसरा विलेज था ना. हाँ इन्होंने बोला ना कि ये जो ऊपर वाला रास्ता जा रहा है यहाँ पे होता है. लेट्स सिट देयर गाइस, लेट्स सिट देयर. हाँ हाँ व्लॉग कर रहा हूँ, क्या हुआ, तूने ट्रिप किया था इधर से? हाँ ट्रिप करा था, देख लेते हैं कितना हुआ. बस 434.3 किलोमीटर्स. ओके कम ही हुआ, 434.3 किलोमीटर्स. घर तक रखना है पूरा कांगड़ा तक. हाँ हाँ देखेंगे कितना हुआ ना टोटल. सो गाइस अभी तक हमने सिर्फ 434 किलोमीटर्स कवर करे हैं, घर जाते जाते देखते हैं 1000 होता है कि नहीं होता है. अब थोड़ा सा थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, फ्री तो हैं. बाकी लोकेशन हमने सोचा कि कल एक्सप्लोर करेंगे. आज हमको थोड़ा सा मतलब थकावट भी थी, बिकॉज कल हमने इतना ज़्यादा ऑफ रोड करा था, तो आज का दिन हमने सोचा था कि रेस्ट ही करेंगे, बट फिर हमने सोचा कि रेस्ट क्यों करनी है, वेस्ट दिन क्यों करना है, जितनी मतलब पास पास की लोकेशन है उनको एक्सप्लोर कर लेंगे. सो व्यू तो ये भी बढ़िया है, फ्रंट साइड का व्यू इतना बढ़िया नहीं है, हेलो सर, बट बैक साइड का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है. बैक साइड से ऐसा कुछ व्यू है एंड ट्रस्ट मी गाइस लाइक बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. मतलब 180 डिग्रीज में पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे और बहुत सुंदर है. अभी मतलब सांस फूलती हुई दिखाई देगी, सुनाई देगी तुमको. ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है भाई, आई डोंट नो यहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, इनको आदत हो गई है, बट हमारे लिए मतलब टफ टास्क है ये. कम कम बोलना पड़ेगा, धीरे बोलना पड़ेगा, सिर्फ तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ मैं. वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आ रही है तो, बाकी इन्जॉय करो यार, बहुत सही है भाई, बहुत सही व्यू है. आई थिंक सूरज की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, बट बहुत सुंदर व्यू था.
आई जस्ट होप गाइस कि मेरी शक्ल बड़ी आ रही हो, बिकॉज मेरे को अभी भी जुकाम है और मेरे को लग रहा है कि मतलब फेस मेरा टायरी टायरी सा लग रहा है. बट नो वरीज, लेट मी टेल यू कि अभी मैंने तुमको बताया था व्लॉग में कि हम यहाँ पे बैठे हुए थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो यहाँ के लोग मतलब इतने अच्छे, इतने प्यारे, उन्होंने देखा हमको कि हम मतलब बैठे हुए यहाँ पे, तो खुद से ऑफर करा, सांस फूल गई इतने तेज़ बोलते बोलते, तो उन्होंने हमको खुद से ऑफर करा कि भाई तुमको देखना है ये वाला मंदिर. हमने बोला हाँ. तो भाई मतलब अंदर का मंदिर इतना सुंदर था ना, और इतने अच्छे मतलब इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के, इतना सुंदर व्यू है. सो मज़ा आ गया गाइस. तो अभी मतलब घर को जाएंगे, थोड़ा सा उस टाइम स्पेंड करेंगे, बिकॉज तुम देख सकते हो कितना सुंदर व्यू है यार, मतलब तुम देख सकते हो ऐसी जगह जा सकते हैं. और यहाँ पे मतलब हवा आ रही है, यहाँ पे तो हवा की नॉइज़ आ रही होगी, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू है. तो अभी मिलते हैं. हाँ सर बोलो, हवा आ रही होगी, मेरे को पता है. पीछे से शूट करते हैं तो अपना मुंह थोड़ा आगे रखा कर, क्योंकि ये आगे का शूट लेती है, पीछे से आवाज नहीं आती है. अभी सिखा रहे हैं मेरे को कि महंगे जो अपने जो सेटअप होते हैं उनको यूज कैसे करते हैं. लाइक ये ना अभी माइक हम यूज कर रहे हैं, ये शॉट करना है. तो ये अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो, अभी पता क्या हो रहा है, मेरी बाजू थक गई हुई है, एक तो सांस फूल रही, ऊपर से बाजू थक गई है, इसको ही साथ में पकड़ लेते हैं. आप बोलो. हाँ तो ये क्या है कि ये जो माइक यूज कर रहे हैं ये शॉटगन है, तो ये डायरेक्ट सामने से लेते हैं. ये क्या है, शॉटगन है? शॉटगन मतलब माइक, शॉटगन बोलते हैं ना इसको. अच्छा. तो ये सामने से जो है हमारी आवाज कैप्चर करता है. अगर हम इसको टिल्ट कर देंगे तो हम पीछे से बोलेंगे, हमारी आवाज इतनी क्लियर नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा सा मुंह ऐसे आगे रखे. समझ रहे हो? बोलना पड़ेगा. मेरे को कुछ समझ नहीं आया, टेक्निकल नॉलेज हमको है नहीं किसी चीज का. आपको मैं करवाता हूँ टेक्निकल नॉलेज. जैसे हम यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं, आवाज आ रही है, और हम ऐसे करके बोल रहे हैं आवाज नहीं आएगी. जब हम ऐसे करके बोलेंगे ना तब इसमें ये साउंड कैप्चर करेगा. मतलब मेरे को फिर से बोलना चाहिए? नहीं, इसका डीबी बढ़ा लेना आप. ऐसा कर लेंगे. और क्या सो गाइस, बाइक पे मिलता हूँ यार आपको. ज्यादा टेक्निकल नॉलेज हमको नहीं आती है, गोप्रो लगाएंगे और चलेंगे. ये भी समझ रहे हो आप? ये भी समझ रहे हो आप? बाय बाय. Look at that boy holding a puppy. Bye. So right now we are heading back to Kaza, जहाँ पे हमारा stay था उसी जगह पे. आज का जो हमारा plan था मतलब तीन जगह घूमने का, वो हमने घूम लिए. अब कल का जो plan है वो हमको मतलब बनाना है. So guys, right now we are heading back towards Kaza, but you can have a look. जाते जाते भी इतना सुंदर नज़ारा है ना. और तुम नीचे आई जस्ट होप कैमरा कैप्चर कर रहे हो, वो जो वाटर स्ट्रीम है ना वो भी मतलब सांप के स्ट्रक्चर की, जैसे सांप चलता है, क्रॉल करते हैं ना, जैसे सेम ऐसे zigzag मोशन में. इट्स अमेजिंग यार. लाइक आई जस्ट होप कि ये जो सामने पहाड़ हैं ये क्लियरली विजिबल हो, इनका भी मतलब अलग ही स्ट्रक्चर है. और जो पीछे पहाड़ हैं, जो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं मेन वाले, उनके ऊपर भी मतलब जो सनसेट हो रहे हैं उसकी वाली जो सन रेज पड़ रही हैं, मतलब एक अलग सी शाइन प्रोवाइड कर दी रही माउंटेन्स को. और इतने सुंदर लग रहे, इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है देख के. अब तुम देख सकते हो लाइक अब बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, तब थोड़े से दूर थे ये वाले पहाड़, अभी कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं यार. लाइक जो क्लाउड्स हैं ना वो भी मतलब जो डार्क वाले, मतलब जो ब्लैक ब्लैक क्लाउड्स है, जो वाइट क्लाउड्स है, वो मिक्स हो गए हुए हैं. और मतलब इन वाली माउंटेन्स के ऊपर वो, ट्रस्ट मी गाइस, इतना सुंदर सीन है ये. सो गाइस राइट नाउ आई एम राइडिंग RC 390 हमारे साहिल भैया की. वो मेरे को थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही थी बाइक में, तो मैंने बोला कि तू भी राइड करके देख, तेरे को भी दिक्कत आ रही है कि मेरा वहम है. बस टेस्ट करने के लिए वो मेरी बाइक चला रहा है. चेंज हट गया तेरा? हाँ साइड में रुक, साइड में रुक. भाई इतना सुंदर व्यू है. हाँ चेन ड्राई है तो नहीं इशू? हाँ करो कसम से. यार एजेंसी वालों ने बोला था 1000 किलोमीटर निकाल देगी, बोला आके चेंज करवा लेना, ऐसे बोला था उन्होंने. फ्लैट हो गया हट भाई. हाँ यार घिस गए हुए, चेन कभी भी निकल सकती है इसकी. अब याद हो रहा है चेन सेट करने से कोई ठीक. अब और कौन कौन सी दिक्कत लगी तेरे को?
और कुछ नहीं है मेरे को ऐसे लग रहा है, गियर लीवर दिख रहा होगा बड़ा ज्यादा, गियर कनेक्टिंग रोड भी खुलने वाली है। हाँ यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है नोटिस का, क्या करें अब, पहले इसको लेके चलते कैसे रखना। हाँ तो गाइस अब मजे मजे से क्रॉस करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ब्रेक डाउन होता है मेरी बाइक का तो मेरे को फिर ट्रक वगैरह में लेके जानी पड़ेगी वापस घर को। सो आई हैव टू बी मोर केयरफुल, मजे मजे से, मतलब मेरे को अब रिस्क लेना ही नहीं है। मेरा चेन सेट का बताओ यार क्या करें अब, देखो सर चेन सेट चला गया मे भी। यार ऑफ रोड है अपने पास ना, ऑफ रोड में रिस्क कैसे ले। अभी हमने कल जाना है, हमने इक्कीम वगैरह साइड जाना है, उधर ऑफ रोड है। मैंने इसके पास बाइक दी थी ना, मैंने चेक करवाया कि मेरे को दिक्कत लग रही थी ना, मैंने इसको बोला चेक कर। स्कूल जाते हो, स्कूल जाते हो, किस बात की। अच्छा तो ये कर रहा था ना, इसको ऑन करते हैं ऐसे, अब करते हैं। लड़की आप जोर से करो ना, इस साइड को करते हैं। मेरे को बोलता कट मारो जैसे उन भैया ने मारा। मैंने बोला एक्सीडेंट हो गया फिर। सो गाइस टाइम हो रहा है रात के 10 और अभी हम मतलब अपने रूम एंटर कर रहे हैं। व्लॉग एंड करने में टाइम इसीलिए लग रहा है बिकॉज हमने अपना रूम शिफ्ट कर लिया। हाँ मतलब वो स्पूकी था थोड़ा सा, तो ये अपना नया रूम है, ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है बट काजा के अकॉर्डिंग बढ़िया है। और आप देख सकते हैं टेबल के ऊपर ये सारा मतलब खाना, अभी हम खाना पैक करा कर आए हैं अभी अपना, बिकॉज यहाँ पे मतलब ठंड थी थोड़ी, तो हमने सोचा कि हम रूम में ही आके करते हैं। तो मतलब थोड़ा सा मतलब पार्टी वगैरह वाला सीन है, तो आज मतलब थोड़ा लेट सोएंगे, कल तो थोड़ा मतलब थके हुए थे बिकॉज इतना ऑफ रोड करने के बाद, आज थोड़ा रेस्ट डे था तो थोड़ी सी पार्टी वगैरह करेंगे और फिर सो जाएंगे खाना खा के। सो इसके बाद वीडियो एंड करते हैं, जो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो पसंद है लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में।